श्री हुड्डा कब तक ये कहता था हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जरूरत नहीं है। अभय चौटाला के आगे झुके कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, पहले हुड्डा कहते थे कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने में और चुनाव जीतने में सक्षम है, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन तीन राज्यों में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की अकड़ हुई ढीली हो गई है। तीन राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस के सुर बदलने लगे हैं। हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अगर इनेलो को विपक्ष इंडिया का हिस्सा बनाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और वह इसका विरोध नहीं करेंगे। पहले हुड्डा कहते थे कि हमें इनेलो पार्टी की ज़रूरत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा काफ़ी बार बयान दे चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में इनेलो पार्टी को शामिल नहीं होने दूंगा। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि इनेलो को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। अभय चौटाला ने कहा, भाजपा को अगर सत्ता से बाहर करना है तो हम सबको स्वार्थ की राजनीति को छोड़कर संगठित होना पड़ेगा। हालांकि अभय चौटाला ने यह साफ कह दिया है कि चुनावी समझौते के लिए कोई उनकी दरवाजे पर आएगा तो सोच विचार करेंगे, लेकिन वे किसी के दरवाजे कब तक ये कहता था हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जरूरत नहीं है। जो कहता था इंडिया का जो गठबंधन है इसमें लोकदल को शामिल नहीं होने दूंगा। तीन राज्यों के चुनाव के बाद कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट आई, आज के अखबारों में छपी है, कहते हैं मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से कोई परहेज नहीं है। जो व्यक्ति अहंकारी था उन तीन राज्यों के चुनाव में इस कांग्रेस को भी आईना दिखाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को किसी के कंधे की सहारे की जरूरत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पार्टी को भरोसा है। हमें अनेक दफा कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, भाजपा की तरफ से की गई। अब हम फिर धोखा नहीं खाएंगे, अपने बलबूते पे इकट्ठे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव लड़ते सरकार बनाने का काम करेंगे।